किसी को भरता अच्छा लगता है, किसी को सब्जी अच्छी लगती है, किसी को सेका हुआ बैंगन अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार हर एक व्यक्ति की पसंद के अनुसार वह उसे खाना चाहता है। चलो 3 नंबर प्रेजेंट है। 3 नंबर, चलो आपको टमाटर बहुत पसंद है ना, मुझे पता चल गया आपको टमाटर बहुत पसंद है। चलो तो आप टमाटर के बारे में दो चार वाक्य मुझे बताओ तो। लाल रंग के होते हैं। नीले रंग के नहीं होते, हरे रंग के नहीं होते। हाँ, मिर्च टमाटर लाल और हरे रंग फिर हैं। मुझे टमाटर बहुत पसंद है। वो तो मैंने ही बताया आपको कि आपको टमाटर पसंद है। फिर उसके बाद टमाटर एक सब्जी फिर उसके बाद मिस आगे नहीं। क्योंकि आगे नहीं। क्यों क्यों आगे नहीं? टमाटर तो बहुत पसंद है तो उसके बारे में तो आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। चलो 38 नंबर, 38 नंबर हाँ, मिस क्या बोलो। टमाटर आप बताइए टमाटर के बारे में, आपको पसंद है ना? टमाटर हाँ मिस, मेरे को बहुत अच्छा है, पसंद हाँ, वाक्य ठीक से मिस। बोलिए पहले। हाँ मिस, टमेटा गुजराती में या टमेटा की हिंदी में? सब्जी, टमेटा का सॉस बनता है, टमेटा की सब्जी बनती है, टमेटा लाल रंग का होता है, टमेटा नहीं, टमाटर। टमाटर सलाद बनती, सलाद सलाद बनता है, टमाटर खाया भी जाता है। वेरी गुड। टमाटर जो है वो लाल इस या टमाटर हरे रंग कच्चा का भी खाया सकते हैं, चटनी भी सच्चा। बनती है टमाटर की। वेरी गुड। टमाटर जो है वो लाल और हरे रंग के होते हैं, बराबर, और उसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। टमाटर देखने में गोल होते हैं। टमाटर सभी बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। टमाटर सब्जी में डाले जाते हैं, उसका सॉस बनता है, उसका सूप बनता है, उसकी चटनी बनती है। तो टमाटर है उसे खाने से हमारी जो स्किन है वह भी बहुत अच्छी बनती है, एकदम चमक वाली। तो इसी प्रकार टमाटर जो है वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, यानी कि बहुत अच्छे है। उसके बाद 36 नंबर, 36 नंबर, तेईस नंबर, 23 नंबर। यस टीचर। ओके, आपको जो पसंद नहीं है ना उसके बारे में आपको बताना है। आपको क्या पसंद नहीं है सब्जी में से? पसंद सब पसंद है, है। हाँ सब्जी में सभी सब्जियां पसंद है, करेले की भी? हाँ करेली ओके, भी तो मेरे आप फेवरेट है। फेवरेट है तो आप करेले के बारे में ही बताइए। चलो करेले के बारे में आप 4-5 वाक्य बताइए मुझे। करेले कड़वा होता है, हरा रंग का होता है और मुझे बहुत पसंद वेरी गुड। फिर है। शरीर के लिए अच्छा होता है।
शरीर के लिए अच्छा होता है। फिर बीमारियां पेट के लिए बीमारियां नहीं होती है। पेट के लिए बीमारियां नहीं होती है, या करेले खाने से बीमारियां नहीं नहीं होती है। होती, वेरी गुड। फिर फिर नहीं आता, नहीं आता है बस। बस इतना ही आता है। करेले तो आपको बहुत पसंद है, तो इतना ही आता है। इतना ही आता था, इतना ही है। ओके ओके। 46 नंबर, 46 नंबर, 46 नंबर प्रेजेंट हो बेटा। 17 नंबर यस मिस। आप बताइए करेले के बारे में। मिस मिस हाँ बोलो बेटा। रोल नंबर 46 मिस, मैंने लेफ्ट फेंके थे ना, एटले मिस ओके चलो 46 नंबर बताएगी। करेले के बारे में। मिस करेला हाँ करेले के बारे में ही। हरा रंग का होता है, करेला कड़वा होता है, करेले की सब्जी बनती है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? करेले आपको पसंद है ना सब्जी करेले की? नहीं, नहीं तो आज मैं आपकी माता जी को बोल दूंगी आपको करेले की सब्जी खिलाए। फिर इतना आता है, कोई बात नहीं। करेला जो है वह हरे रंग का होता है, बराबर। और करेला जब हम बीमार होते हैं, यानी कि हमें ज्वर ताव होता है, या कोई बड़ा व्यक्ति या छोटा व्यक्ति है उसे मधुप्रमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी होती है, तो वह करेला भी कच्चा खाता है। करेले की जो ऊपर की छिलके हैं उसका वह जूस भी पीता है। तो इसी प्रकार पीने से उसकी बीमारी भी कम होती है और डायबिटीज में भी उसको राहत मिलती है। तो इस प्रकार बीमारी में भी करेला हमें उपयोगी है। स्वाद में भले ही करेला कड़वा हो, मगर वह हमारे शरीर में औषधि दवा का काम करता है। करेले को हम देखें तो बीच में से मोटा और दोनों ओर से उसके जो छोर है वह बहुत नुकेले, नुकेले यानी कि अणी वाला, बराबर। करेलो तमे जुओ तो गोल होय ने, आजू बाजू थी तमे जुओ तो अणी वालू होय छे। तो उसके दोनों जो छोर है वह बहुत नुकीले होते हैं। करेले की अच्छी सब्जी बनती है। कोई कोई व्यक्ति जो है वह तो करेले की ऊपर के जो छिलके हैं, बराबर, उसकी उसका खाने में उपयोग करते हैं और उसकी अच्छी वानगी भी बनाते हैं, जैसे कि मुठिया जो है वह भी उसके बनते हैं। तो इसी प्रकार करेला जो है वह स्वाद में कड़वा है, मगर वह गुणवर्धक है, बराबर। चलो उसके बाद 46 नंबर की बारी आ गई। 17 नंबर, 17 नंबर हमें चलो आप बताइए आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? जो सब्जी से मीठी मीठी चीजें भी बनती है, शरीर के लिए भी उपयोगी है, ऐसी सब्जी है उसके बारे में आपको बताना है, वह कौन सी सब्जी होगी? भिंडी, टमाटर, आपकी आवाज बहुत आ रही है बेटा स्पीकर से। अच्छी तरह से पीन उसमें डालो। भिंडी भिंडी इसको अच्छी लगती अच्छा, तो भिंडी के बारे में नहीं, आपको लौकी के बारे में बताना है। लौकी का अर्थ क्या है गुजराती में? दूधी। वेरी गुड। तो लौकी के बारे में आप बताइए। लौकी का हलवा बनता है।
लौकी की सब्जी भी बनती है। फिर लौकी दाल में भी डालते हैं। लौकी हम दाल चावल करते हैं ना, तो उसमें भी दाल में भी डालते हैं। चावल में नहीं डालते, दाल में डालते होंगे जब आप इडली संभार की दाल बनाते हो तो, है ना। फिर मिस बस इतना ही। ओके चलो, 9 नंबर। 9 नंबर नौ नंबर अभी अभी तो आई थी, चली गई। 9 नंबर आ गई, बोल के चली जाती है, बोल के चली जाती है ना, फिर बाद में कहती है कि मुझे आपने पूछा ही नहीं, है ना। चलो 33 नंबर। 33 नंबर हाँ मिस। चलो आप बताइए, लौकी के बारे में आपको क्या क्या पता है। लौकी हरे रंग की होती है, फिर लौकी दाल में डाली जाती है, फिर लौकी अंदर से सफेद रंग की होती है और उसमें फिर बीज होते हैं, फिर फिर क्या। फिर बता। इतना ही आता है, इतना ही आता है, ओके कोई बात नहीं। चलो लौकी जो है वह हरे रंग की होती है और वह लंबी होती है, बराबर। लौकी हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखती है, यानी कि स्वस्थ रखती है। जब कोई बीमार होता है तो उसे खाने में सिर्फ नमक और हल्दी वाला लौकी की सब्जी हम देते हैं, बराबर। जो बीमार होता है उसके लिए लौकी की सब्जी बहुत अच्छी है, यानी कि लौकी जो है वह पाचन तुरंत होती है, पाचन करने में उससे कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए जो बीमार होते हैं उसे हम लौकी की सब्जी खाने का आग्रह करते हैं। फिर लौकी की सब्जी भी बनती है। फिर एक बात तो आप सब कहना भूल गए कि लौकी का हलवा बनता है, पसंद है ना सबको लौकी का हलवा। हाँ बहुत पसंद है, ये तो मैंने बताया तब जाके पता चला। तो लौकी का हलवा भी बहुत मीठा बनता है। फिर आपको पता हो तो हम जो सिर पर बाल में तेल लगाते हैं उसमें भी हम लौकी का उपयोग करते हैं, यानी कि लौकी से बालों में लगाने वाला तेल भी बनता है। और लौकी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठंडक देने वाली है, यानी कि लौकी जो है वह गर्म नहीं मगर ठंडी है, तो इसीलिए तो हम बालों में लगाते हैं ताकि हमारे हमारा जो मगज एकदम जो गुस्सा करता है ना उसका मगज एकदम शांत हो जाए। और यह तेल लगाने से बाल भी बढ़ते हैं, तो इसी प्रकार लौकी की सब्जी बनती है, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखती है, उसकी सब्जी और हलवा भी बनता है और सिर पर लगाने वाले तेल में भी लौकी का उपयोग होता है। हाँ बोलो। हेलो, હવે છે ને પીરિયડ પૂરો કરજો, આપણે ત્રીજા પીરિયડ માટે આજે જે છે ને એના માટે બધાને જોઈન્ટ કરવાના છે આમાં। ઓકે 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 ચલો। ઉસકે બાદ गाजर जो है, गाजर है उसके बारे में आपको बताना है, मगर आज हम यहाँ पर जो हमारा तास है वह हम पूरा करेंगे, बराबर। हमने जो सब्जियों का परिचय आपसे लिया ऐसा ही सब्जी वाला एक पाठ जो है
ऐसा शोर जिसमें बहुत सारी सब्जियां आपस में बात करेगी, और एक बिरजू चाचा है उसकी भी बात की गई है, बराबर? मिस मैंने वो वार्ता वाची है, पाठ पढ़ा है, कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार हम सब्जी का महत्व जो है वह हमारे अगले तास में जो हम नौवां पाठ केशव सोर है उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हम जो हमारा तास है वह पूरा करते हैं। ओके, हेलो हिना मिस, हिना मिस,